अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस
उकाब पक्षी की नाएं पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाएं पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाएं पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाएं पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बात